Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing well. I am Mahnoor Nisar and I am back again with another demo video. और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपने Blackboard पोर्टल के ऊपर अपना कंटेंट या अपना लेक्चर अपलोड करना है. So if you are a newbie instructor or newbie teacher who is just learning how to use Blackboard, so आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और इन चंद बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए you can easily upload your content on Blackboard. So इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपने कौन से कोर्स में अपना कंटेंट अपलोड करना है. सो एज एन इंस्ट्रक्टर आई एम रजिस्टर्ड और एनरोल्ड इन ऑल ऑफ दीज कोर्सेज. यू कैन सी आई एम एनरोल्ड इन ऑनलाइन कोर्स एंड देन आई हैव फंक्शनल इंग्लिश और इसके साथ साथ मेरे पास वर्ल्ड लिटरेचर भी है. डेमो के लिए मैं चूज कर लेती हूँ वर्ल्ड लिटरेचर. मैंने क्लिक किया इसके ऊपर और ये मुझे कोर्स में ले आया है. साइड बार पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे. लेक्चर्स हैं, डिस्कशन फोरम है, इंफॉर्मेशन है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ काफी सारे ऑप्शन हैं. आपने अपना लेक्चर बिल्ड करना है, अपना कंटेंट बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपने लेक्चर फोल्डर को क्लिक करना है. बाय डिफॉल्ट ये आपको लेक्चर फोल्डर में ही रखेगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैंने दोबारा से लेक्चर फोल्डर के ऊपर क्लिक किया. अब ये आपके सामने लेक्चर फोल्डर आ गया है और जो थ्रू आउट सेमेस्टर हमने यहाँ पे मटेरियल अपलोड किया है, जो कंटेंट अपलोड किया है, वो सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे नजर आएगा. स्टूडेंट्स बहुत ईजिली इसे एक्सेस कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. सो अब ये बनेगा कैसे लेक्चर? आपने जाना है बिल्ड कंटेंट के ऊपर और बिल्ड कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे. आपने सेलेक्ट करना है कंटेंट फोल्डर. लेकिन देखिए अगेन इट्स अप टू यू एज एन इंस्ट्रक्टर, आप किस तरह का कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है. मुझे बहुत फीजिबल लगता है कि मैं पहले एक फोल्डर बना लूँ एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मटेरियल और जितना भी कंटेंट मेरे पास है इंक्लूडिंग पीपीटीज और हैंडआउट्स या फिर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर है, सो फिर वो स्पेसिफिक उस फोल्डर के अंदर मैं उसे असेंबल कर लूँ. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक सिंगल फाइल, एक सिंगल पीपीटी, एक सिंगल हैंडआउट अपलोड करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं. कंटेंट फोल्डर बनाने के लिए आपने कंटेंट फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे इसे कोई टाइटल दे दिया. लेक्चर 16 हमारे पास ऑलरेडी है, सो लेक्चर 17 हम इसे कर देते हैं. लेक्चर 17 मैंने इसका नाम रख दिया है. इसके बाद टूल बॉक्स में आप लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू ऐड एन इंस्ट्रक्शन या फिर इफ़ यू वांट टू ऐड सम गाइडलाइंस, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो. अगर नहीं तो आप इसको इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो. ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन अगेन इट्स अप टू यू. उसके अलावा आपने इन चंद ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है. परमिट यूजर्स टू व्यू दिस कंटेंट, यस. और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने आपका कंटेंट एक्सेस कर लिया है तो आप ट्रैक भी कर सकते हो इस नंबर को, तो आप इसको यस कर दो. अदरवाइज मैं इसे नो पे ही रखती हूँ बिकॉज इसकी ऐसी ज़रूरत नहीं होती. उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका ये फोल्डर या ये स्पेसिफिक कंटेंट एक टाइम पीरियड के बाद डिसअपेयर हो जाए, शो हो और उसके बाद हट जाए, तो आप डिस्प्ले आफ्टर और डिस्प्ले अंटिल के ऑप्शन में डेट और टाइम सेट कर सकते हो. इसकी भी मुझे एज सच कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो मैंने कभी ये सेट किया नहीं है. सो ये आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जो आपके सामने आएंगे व्हाइल क्रिएटिंग अ कंटेंट फोल्डर. उसके अलावा आपने एंड में यहाँ आपको साइड पे बिल्कुल कॉर्नर राइट कॉर्नर पे आपको ये ऑप्शन सबमिट का नजर आएगा. आपने यहाँ सबमिट जब आप कर लोगे तो आपका लेक्चर 17 या आपका लेक्चर फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया. अब ये गया कहाँ है? जितना भी कंटेंट आप क्रिएट करोगे वो सब जो है वो नीचे चला जाता है. सो अब ये करंट या लेटेस्ट कंटेंट है जो आपने क्रिएट किया है. अब आप चाहते हो कि इसे आप सबसे ऊपर शो करो, तो इसके लिए आपने इसको यहाँ से साइड से ड्रैग करना है और ड्रैग करते हुए आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं. इससे ये फ़ायदा है कि स्टूडेंट्स बहुत इजीली इस फोल्डर को या इस कंटेंट को देख सकते हैं सबसे ऊपर. सो आप इसको असेंबल कर लो और आप इसको सबसे ऊपर ले जाओ. ये बहुत आसानी से आप इसको ड्रैग करते हुए सबसे ऊपर ले जाओगे. सो या लेक्चर 15, लेक्चर 16 एंड लेक्चर 17. अब याद रखिएगा कि आपने अभी कंटेंट फोल्डर क्रिएट किया है, आपने इसमें कोई मटेरियल अपलोड किया नहीं है फिलहाल. सो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं. आपने लेक्चर फोल्डर के ऊपर क्लिक किया, आप अगेन इसी डैशबोर्ड के ऊपर इसी पेज के ऊपर दोबारा से आ गए हैं. आपने बिल्ड कंटेंट सेलेक्ट किया. अब इधर आपने जो है वो आइटम सेलेक्ट करना है. आप फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं. आपने यहाँ पे इसका नेम दे दिया है handout 1. लेट्स सपोज मैंने handout 1 यहाँ इसका नाम रख दिया है. अब इसके 2 तरीके हैं फाइल अपलोड करने के. आप ब्राउज फाइल्स पे जाके अटैचमेंट्स में जाएं, डॉक्यूमेंट यहाँ अटैच कर दें. CD असाइनमेंट लेट्स सपोज मुझे अटैच करना है, आई विल सिलेक्ट दिस और ये हो गया हमारा अटैच. उसके अलावा देयर इज अनदर वे. आप टूल बॉक्स में आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में एक प्लस का ऑप्शन नजर आएगा। आपने प्लस के ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हुए इंसर्ट लोकल फाइल्स पे जाके आप यहाँ दोबारा से कोई फाइल अटैच कर सकते हो। मैं यहाँ पे न्यूज़लेटर लेट्स सपोज अटैच कर देती हूँ। सो ये मेरे पास लिंक की फॉर्म में नजर आ जाएगा। सो वेदर इट्स अ पीपीटी और अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये लिंक की फॉर्म में आएगा। स्टूडेंट इस लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो उनके पास ऑटोमेटिकली डाउनलोड जाएगी फाइल। इसके अलावा ये सब आपने जब सिलेक्ट कर लिया तो वही रिपीटेड ऑप्शंस आपके पास दोबारा आ गए। इट्स अप टू यू, आप इसे येस करना चाहें या नो करना चाहें, इट्स अप टू योर, इट्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा एंड में प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सबमिट ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा और लेक्चर 17 में उससे रिलेटेड जो कॉन्टेंट है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। सो अगर मैं देखना चाहूँ लेक्चर फोल्डर पे जाके लेक्चर 17 मैंने देखना है, सो मेरा हैंड आउट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल, आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।